आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने क्वेश्चन है, गण या ऑर्डर संबंधित वर्गों का समुच्चय है। वर्ग किसे बोलते हैं? वर्ग या क्लास बोलते हैं। वर्ग किसे बोलते हैं? क्लास को वर्ग बोलते हैं। तो देखिए, ये कथन गलत है। ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। अब कैसे गलत है अभी बताते हैं। ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। अब देखो क्या होता है, एक होती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है? ये जो है कि किसी भी जीव जंतु पादप के वर्गीकरण के लिए उपयोग में आती है। तो हम बोल सकते हैं वर्गीकरण में इसका क्या होता है? उपयोग होता है। क्लासिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, या वर्गीकरण, वर्गीकरण में इसका क्या होता है? उपयोग होता है, वर्गीकरण में उपयोग। अब देखो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कौन कौन से टैक्सोन या पद आते हैं, तो देखते हैं। सबसे नीचे आती है जाति और सबसे ऊपर आता है जगत। तो मैं जगत से लिखता हूं, जगत। जगत के नीचे आता है कौन? संघ। संघ के नीचे कौन आता है? जो है वर्ग, या हम बोल सकते हैं क्या, क्लास। वर्ग के नीचे कौन आएगा? वर्ग के नीचे आएगा जो है कि ऑर्डर, या हम बोल सकते हैं गण। और गण के नीचे क्या आएगा? कुल, यानी कि जिसे हम फैमिली बोलते हैं, कुल। फैमिली के नीचे कौन आएगा? जो है कि वंश, या जिसे हम बोलते हैं जीनस। ये सात होते हैं कुल, जो कि अनिवार्य होते हैं या आवश्यक होते हैं किसी भी वर्गीकरण में। और वंश के नीचे कौन आती है? जाति आती है, या स्पीसीज बोलते हैं जिसे, जाति। तो देखिए ये सात हो गए, जाति एक, वंश दो, कुल तीन, गण चार, वर्ग पांच, संघ छह और जगत सात। अब देखिए इनमें क्या होता है कि जो नीचे वाला टैक्सोन होता है उसके समुच्चय से ऊपर वाले टैक्सोन का निर्माण होता है। नीचे वाले टैक्सोन के समुच्चय से ऊपर वाले का। अब देखिए दो जातियों के समुच्चय से वंश का निर्माण होगा, वंश के समुच्चय से कुल का, और कुल के समुच्चय से किसका निर्माण होगा? गण का। और इसमें क्या दे रखा है? वर्ग के समुच्चय से, यानी इसमें उल्टा दे रखा है। लेकिन होना क्या चाहिए? जो है कि कुल के समुच्चय से गण का निर्माण होता है, इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। इसमें क्या होता है कि अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो समान लक्षणों की संख्या क्या होती है? कम होती जाती है। समान लक्षण क्या होते हैं? घटते हैं। समान लक्षण कम होते जाते हैं, जबकि अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो समान लक्षण क्या होते हैं? बढ़ते हैं। समान लक्षण यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर बढ़ते हैं, क्योंकि जो नीचे जाति जाति में जितने ज्यादा समान लक्षण होंगे उतने जगत जगत में समान लक्षण नहीं होते। तो ऊपर से नीचे आने में समान लक्षण बढ़ रहे हैं, और नीचे से ऊपर जाने में समान लक्षण क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। तो ये होता है जो है कि कुल के समुच्चय से गण का निर्माण होता है। ये कथन सही होना चाहिए था, लेकिन इसमें गलत दिया हुआ। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।